अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव लाइन सां करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बचपावर हाज़िर आहे। नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर आहे हिन प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर हिते ईंदा आहिनि जेके तव्हांखे उन बीमारी बाबति मुकमल ॼाण ॾींदा आहिनि। ऐं अॼुकल्ह जेका आहे सा असांजे सॼे मुल्क में पाकिस्तान में थधि तमामु घणी वधी वई आहे। बल्कि जेका सा जेको असांजा नॉर्मल जेके पद आहिनि उन्हनि खां बि घटी वई आहे, मनफी थी वई आहे। इन करे सिंध में बि तमामु घणी सर्दी जेका सा वधी वई आहे। छा सर्दी जे करे गले ऐं नक ऐं कन जूं कहिड़ियूं बीमारियूं थी सघनि थियूं? अॼु असां कन नक ऐं गले जी बीमारियुनि बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जॾहिं सीउ वधे थो त ॿारनि में या वॾनि में या वॾी उमिरि जे माण्हुनि में ख़ासतौर ते कन जूं गले जूं नक जूं कहिड़ियूं बीमारियूं थी सघनि थियूं ऐं नज़ुलो ज़ुकाम थी सघे थो, छा गलो ख़राबु थी सघे थो, थधियुनि हवाउनि जे करे या थधि जे करे थधे पाणी जे करे कहिड़ियूं बीमारियूं थी सघनि थियूं। इन सिलसिले में अॼु असां सां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे नाले वारो डॉक्टर फसीउल्ला मीर साहिबु, जेके ई एन टी स्पेशलिस्ट बि आहिनि। असां उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त नक ऐं गले या जेके कन जूं कहिड़ियूं बीमारियूं थी सघनि थियूं ऐं उन जा बचाव जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि, उन जो इलाजु कहिड़ो आहे, ऐं हिन थधि में असांखे कहिड़ा एहतियात करणु घुरिजनि जीअं असां हिननि बीमारियुनि खां बची सघूं। तव्हां बि फ़ोन करे डॉक्टर साहिब खां को बि जेकॾहिं कन जी या गले जी या नक जी को मसिलो आहे, का बीमारी आहे, त तव्हां पुछी सघो था। पर जॾहिं तव्हां फ़ोन करियो त महिरबानी करे पंहिंजी टीवी जो आवाज़ु घटि रखो, जीअं तव्हांजो आवाज़ु असां ते आराम सां पहुची सघे, असां तव्हांखे उनजो जवाबु ॾियूं। अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। डॉक्टर साहिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मीर साहब, बड़ी महिरबानी आप हमारे पास आए। डॉक्टर साहब, ठंड बहुत बढ़ गई है पूरे मुल्क में, सिंध में भी बहुत तेज़ी से बढ़ गई, अभी थोड़ा कम हो गया। जब मनफी में ठंड चली जाती है, मतलब जमना हो जाता है, पानी भी जम जाता है, ठंड बहुत होती है, तो कान, गला और नाक, ख़ास तौर पे जो नाक और मुंह ऐसा है जिसमें डायरेक्ट ठंडी हवा जाती है, जिससे हम सांस लेते हैं या हवा अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है जिसमें, तो इस ठंड में इन तीनों चीज़ों, गला, नाक और कान की कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? सबसे जो ज़्यादा कॉमन बीमारियाँ हैं इसमें नाक का बंद होना, और नाक का बंद होने के साथ गले में खराश, गले आना, फ्लू जैसे सिम्टम्स, साथ ही साथ क्योंकि नाक बंद होती है तो कान बंद होने लगते हैं, और साइनसाइटिस, और जिन लोगों को पहले अगर कोई पहले से एलर्जी का मसला, उनके लिए तो बड़ी मुसीबत आ जाती है। ये मौसम उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए जिन्हें एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है या एलर्जिक साइनसाइटिस है, जिनको खांगा या जब पहले से अस्थमा रहा हो, तो उनके लिए बड़ी ये मौसम सख्त हो जाता है। और खुसूसन ऐसे मौसम में जब ये चेंज ऑफ वेदर होता है तो खुश्क हवाएं चलती हैं, मुंह खुश्क हो जाता है, खुश्क हवाएं नाक में जाती है और ठंडी होती हैं तो उससे नाक में क्रस्टिंग हो जाती है और उसकी वजह से एपिस्टैक्सिस भी हो जाते हैं, यानी नाक से खून का आना। तो ये तमाम, यानी पूरा थ्रोट, नोज, साइनस और कान चारों इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, इस मौसम में। लेकिन आमतौर पर हम ये कहते हैं कि हेल्दी मौसम है, दिस इज़ क्वाइट अ हेल्दी सीजन, एंड अपार्ट फ्रॉम स्लाइट कोल्ड, किसी को भी हो सकता है कोल्ड, थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन हमारे डॉक्टरों की ज़बान में हम जब एक दूसरे से मिलते हैं हम कहते हैं हेल्दी हेल्दी सीजन है, इसमें लोग बीमार कम पड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी बीमारियों होती है साइनसेस वगैरह की, गले की, नाक की, लेकिन यूजुअली पीपल फील बेटर इन दिस सीज़न। नहीं डॉक्टर साहब, एक बात है, जब ये ठंडी हवाएं बहुत तेज़, सर्दी कराची में बहुत बढ़ गई, तो अक्सर सब डॉक्टरों ने बोला तक भाई जिन लोगों को एलर्जी है, खास दमे के पेशेंट, वो बच्चे हों या बड़े हों, वो बहुत अपना एहतियात करें, बाहर ना निकलें, आवाज़ें बदते रहें, ठंडी चीज़ें ना खाएं। अब कितना वो एहतियात करेंगे, ज़रा काम काज भी तो करना है। ज़ाहिर है, और बर्फ़ में जाना है तो इन्जॉय करना है, बर्फ़ से खेलना है, स्नोमैन बनाना है, और ये तो तमाम चीज़ें हैं। बच्चों में एहतियात में बताऊँगा कि बच्चों को ऐसा, जैसे ठंड आई तो बहुत सारे डॉक्टरों ने, आपने या हमने सब ने मना किया कि जो लोग एलर्जिक हैं, जिनको दमा है या जिनको ऐसी ठंड से एलर्जी होती है, वो बहुत बड़ा एहतियात करें। ज़ाहिर है वो इतना कि ठंड में बाहर ना जाएं, उनको हवा ना लगे, उनको डस्ट ना लगे। ज़ाहिर है लोगों को काम भी तो करना है, तो कैसे बच सकते हैं? देखिए, काम तो करना ही है, तो सर को ढक लें, नंबर वन। सेकेंडली, पैरों में मोज़े पहने और नंगे पैर ना घूमें। लोग जल्दी में दरवाज़ा खोलने जाते हैं बगैर चप्पल के, बगैर मोज़ों के। अच्छा, बच्चों को मोज़े पहना के रखें। बच्चों को इस सर्द में भी, सर्दी में भी पानी का और मिट्टी का बड़ा शौक है, तो उन्हें कारपेट हो तो नीचे छोड़ सकते हैं, वरना कोशिश करें कि उन्हें नीचे नहीं, जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो मुंह और नाक में तो जाएंगी। राइट, वो तो है, वो तो सांस तो लेना ही है, तो एलर्जी को रोक नहीं सकते। दैट्स ट्रू, लेकिन उसको आप, जिन लोगों को अस्थमा वगैरह रहा हो, जिससे एलर्जी रही हो, उन्हें एंटी एलर्जिक लेने हैं, और सर ढकना है, गर्म कपड़े पहनने हैं, गर्म मशरूबात लेनी है, ठंडी चीज़ें नहीं पीनी हैं, और इस चीज़ का अगर एहतियात करें, एंड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, रात को माउथ साफ करके सोएं, क्योंकि इसमें खराश वगैरह बहुत हो जाती है। और ऐसे लोग जिनको अस्थमा वगैरह है, वो इसमें अपने कवर रख लें एंटी एलर्जिक पिल्स का, वो लेते रहें। या वो पेशेंट जिनकी मैंने फेस सर्जरी
या जिनको एलर्जी था नेज़ल सर्जरी की हो, या नेज़ल पॉलिप का खुसूसन जिनका ऑपरेशन मैंने या मेरे किसी ईएनटी के दोस्त ने किया हो, तो ऐसे तमाम मरीजों से गुजारिश है कि एक दफ़ा मुआयना करवा लें इस मौसम में, अगर खुसूसन अगर आपकी नाक बंद है तो ज़रूर मुआयना करवाएँ, वरना थोड़ी सी एलर्जी जो है ऐसे पॉलिप वाले पेशेंट में बड़े मुज़िर हो सकती है और यह दोबारा पॉलिप बन सकते हैं। कौन सी ठंड में नाक की कौन सी बीमारी हो सकती है? नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक का बंद होना, नाक से ब्लड का आना, और नाक बंद होने से साइनसाइटिस, सर में दर्द होना, सर का भारी रहना, और गले में रेशा गिरना, और बार बार उससे कॉफ का होना, खांसी का होना, ये जिसको हम इन्फ्लू या इन्फ्लुएंजा कहें, वो हो सकता है, फ्लू वगैरह होती है। अच्छा, खुसूसन ये चीज़ उनके लिए बड़ी ख़राब है जो इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन पर है, यानी कैंसर की मेडिसिन पर है, या कोई भी दवाई ले रहे हैं, या कोई नहीं ऐसी दवा ले रहे हैं जो जिस्म से उनके, जैसे कि ट्रांसप्लांट किसी का हुआ है तो उनको ऐसी दवाएं दी जाती हैं कि रिएक्शन कम हो और ट्रांसप्लांट को कबूल करें, तो वो कहलाती हैं दवाएं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, तो इम्यूनो सप्रेसिव दवाएं कहलाती हैं। उन लोगों को इस मौसम में बड़ा ख्याल करना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को तो हम फ्लू शॉट कहते हैं, लगवा लिया करें ताकि वो फ्लू से बच सकें। मीर साहब, एक बात खास में आती है, जब फ्लू हो गया या राइनाइटिस हो गया, खासकर नाक की बात, फिर गले पर आते हैं, तो जब रेनाइटस हो गया, पानी नाक से बह रहा है, आँखों से बह रहा है, और बिल्कुल एक फ्लू लाइक जो है वो हमें पोजीशन है, तो इस कंडीशन में जो है तो आप क्या इनको वायरल कहेंगे, बैक्टीरियल कहेंगे, या ये एलर्जी है? देखिए, एलर्जी तो होती है इस मौसम में। अच्छा, एलर्जी होती है, रिस्पांस होता है। अब उसमें अगर बुखार है, सर में दर्द है, या साइनसाइटिस है, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वायरस है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर उसमें एंटीबायोटिक दी जाती है। नहीं, अगर बुखार है तो आप कहेंगे, अगर बुखार वगैरह नहीं है तो वो एलर्जी में काउंट करेंगे। हाँ, एलर्जी में काउंट। एक और कॉलर है हमारे साथ, उसको साथ शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सही केर तक गलायो कि था? सही करीम से गलाया, मां हैदराबाद मां। मेरी मेहरबानी करीम साहब, पूछना है मां डॉक्टर साहब का एक सवाल पूछना चाहेंगे सर। तो काफी हां तकरीबन मुख्य एक इशू थे तो जरा सियारो अचे तो मुझो जो है गलो वेही तो वे बलगम निकरे तो रात जो मां साह खण में चिटू तो निकरन कंदो आया, सिगरेट तकरीबन 6-7 पींदो आया, मुझी उम्र जका है वा तकरीबन 30 साल है। अच्छा, के डॉक्टर के दिखा रहे तो भाई? हां, डॉक्टरन के दिखा के इस्तेमाल जो दवाऊं दीना, हालांकि मां चेकअप कराया हुआ उन्हीं में कोई इस्तेमाल की शिकायत आए कोन, पर जे डॉक्टर वट वे आया वो दींदो ही दवाऊं जके हैं इन सर्दी में बदलती या गर्मी में भी होंगे? न गर्मी में मुख्य का भी शिकायत को दस्त खाद न मुख्य खुशबू में एलर्जी या कुछ भी मतलब अड़ो ना सिर्फ मुख्य सारे में जो है जवाब बड़ी मेहरबानी। सब जब ठंड आती है तो गला बैठ जाता है, निजला भी होता है, जुकाम भी होता है, और मतलब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो मुख्तलिब वो जो है डायलेटर देते हैं। एक्चुअली ये क्या मतलब ये इसको आप एक्चुअली दो चीज़ें में कि एलर्जी में काउंट करेंगे या ये कोई जरासीमी बीमारी है? वेल ऐसे मैं यूजुअली जो इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि इनको खांसी रहती है, रेशा गला बैठ जाता है, खांस और नाक बंद रहती है, तो ये मैं कहूँगा कि इनको एलर्जी है जो इस मौसम में इनको ज़्यादा हो जाती है, और वो उससे खांसी होने से कॉफ को सप्रेस करने के लिए आजकल खांसी कंट्रोल में नहीं आ रही जब तक कि इन्हेलर वगैरह ना दें, तो वो इन्हेलर अस्थमा में भी दिया जाता है, इन्हेलर एलर्जिक कॉफ में भी दिया जाता है, तो ये परेशान ना हो अगर इनको बड़ी दवाई लेके ठीक हो सकते हैं तो कोई मसला है, लेकिन अगर इनको इन्हेलर दिया तो उसमें अफसोस ना करें या दुखी ना हो जाएं कि मुझे इन्हेलर क्यों दिया, दमा तो है नहीं, मुझे दमा नहीं है, लेकिन इन्हेलर लेने में कोई हर्ज नहीं, उसकी आदत नहीं होती। अच्छा, ठीक हो जाएगा। जी जी। उनको एक चीज़ और कहना था जो मैं चाह रहा था कहूँ कि इनके एक्सरे साइनसेस करवा लें। जब यह नाक बंद रहती है, इतनी एलर्जी है, तो साइनसेस से सीक्रेशन जो गले में गिरता है और जो जाता है लंग्स में तो बड़ा इरिटेट करता है और आवाज़ भी ख़राब होती है। कल तक मेरी आवाज़ ख़राब थी, आज तो डॉक्टर वाहिद ने बुलाया तो मेरी आवाज़ ठीक हो गई। मतलब डॉक्टर साहब, नाक बंद होना अक्सर ठंडियों में माएँ भी कहती हैं, मुझे बहुत सारे मैसेज या मैंने देखा है कि लोग नाक बंद हो जाती है, रात को नाक बंद होती है, क्यों नाक बंद होती है, इसका कोई ऐसा कोई इलाज हल है कि ये नाक बंद हो, बच्चे इनको नींद नहीं आती, बड़ों को नींद नहीं आती? सही बात, नाक बंद होने की बड़ी वजह जो है बच्चों में एडिनोइड्स हैं,
या नहीं सर्दियों में ज्यादा होता है ना, एडेनोराइटिस गर्मियों में भी होते हैं, गर्मियों भी होते हैं सर्दियों में। अच्छा सर्दियों में नाक बंद होना, हाँ। आप मुतखस सिर्फ सर्दियों में, सर्दी में जो अभी ठंड की वजह, देखिए सर्दियों में ठंड की वजह से जो, अच्छा इस मौसम में कुछ वायरस ऐसे डेवलप कुदरती तौर पर होते हैं, जैसे कुछ दरख्त हैं जो सर्दियों के हैं उसमें उगते हैं, गर्मी में ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे वायरसेस वगैरह भी हैं जो सर्दियों में आते हैं और ये फिर ये कॉज करते हैं एलर्जी वगैरह, नंबर वन, इसी से फ्लू भी हो जाता है। और इसके अलावा सर्दियों में कारपेट के नीचे एक होता है हाउस डस्ट माइट, वो जो है वो उस वो भी जो है ज़्यादा इसकी डेवलपमेंट होती है, खुद नवंबर और दिसंबर के महीने में, एंड इट कंटिन्यूज फॉर वन और टू मंथ्स। नहीं अगर किसी बच्चे का या बड़े का नाक बंद हो रहा है तो क्या करना चाहिए फौरन? हाँ फौरन तो मैं कहूँगा एंटी एलर्जिक दें और उनको मेंथॉल इनहेलेशन या विक्स इनहेलेशन दें और फिर डॉक्टर को दिखाएं अगर ज़्यादा बंद है तो। मैं नेजल स्प्रे बहुत कम मैं देता हूँ लेकिन एंटी एलर्जिक से खासी कंट्रोल में कंट्रोल हो जाता है। अच्छा सर आप बात कर रहे थे, जब मैंने दो चीज़ें, नाक की बीमारियाँ सर्दी में ज़्यादा होती हैं या गले की ज़्यादा होती हैं? मिक्सचर है, यू कैन नॉट डिमार्केट, जिसका गला ख़राब है उसके यूजुअली नाक भी बंद होती है। अच्छा, दोनों तरफ दोनों साथ साथ ही होते हैं। और इसमें अलबत्ता उन लोगों को जो पहले जिनके मतलब साइनसाइटिस वगैरह है तो उनको साइनसेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और रेशा गिर के खांसी भी होने लगती है। नहीं किसी को जगह अगर पहले ही इरिटेशन है साइनोटाइस है तो वो होगा या बाद में भी हो सकता है ठंडी की वजह से साइनोटाइस फ्लेयर अप हो जाता है? अच्छा। देखिए इसमें हर चीज़ जो छुपी बैठी है वो फ्लेयर अप हो जाएगी, जो नाक का बंद होने का अगर थोड़ा बहुत वो था पहले से आंसर था तो वो ज़्यादा हो जाएगा, अगर साइनसाइटिस थी पहले तो इस मौसम में वो शो करेगी अगेन। तो इसलिए इस मौसम में बुज़ुर्ग कहते हैं कि जी गरम चाय पिया करें और जो शानदा वगैरह है या गरम चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सूप हैं जो लोग अक्सर लोग दिखाते हैं कि जिस मौसम में बड़ा सूप का लेना आम हो जाता है मतलब गरम चीज़ों को इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ें कम इस्तेमाल करें। सूप वगैरह से तो है कि गरम गरम आपको एक तो सेखा मिलता है गले में और फिर जो आप उसके फ्यूम्स इनहेल करते हैं तो उससे आपका रेशा वगैरह जमा वो जरा नरम हो जाए। डॉक्टर साहब वक्त बहुत छोटे वक्त का नाजरीन बैठूंगा वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा पेंजी गैलेंज सिलसिलो बिहार डॉक्टर फैसलुल्लाह मलिक साहब अशरक कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब कर मेहरबानी हो, कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब मोहम्मद नईम बात कर रहा हूँ जिला जो बलूचिस्तान से। बड़ी मेहरबानी, क्या पूछोगे डॉक्टर साहब? सर मैं तकरीबन कभी कभी एक दो महीने बाद इस तरह दर्द हमारी ये जो दाएं टांगा जो है, कभी कभी मैं क्रिकेट खेलता हूँ इस तरह अचानक एक करंट जैसे दर्द आता है अचानक में, कभी कभी वैसे रास्ते पे मैं चलता हूँ इस दर्द आता है, इनका क्या मसला है डॉक्टर? कहाँ पे दर्द? सर में दर्द आता है जी। दर्द कहाँ होता है? दर्द बिल्कुल टांगे में होता है, ये जो पूरा टांगे में इस तरह करंट जैसे नीचे पाँव से लेकर ऊपर टांगे तक टांग होता है। और कोई गले वाले की तकलीफ तो नहीं है, कान की कोई नाक की? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ज्यादातर क्रिकेट जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो क्रिकेट की दौरान। आपको जवाब देते हैं, आपने बड़ी दूर से फोन किया, बड़ी मेहरबानी। ये बलूचिस्तान से फोन करते हैं नौजवान, बोलते हैं जब मैं खेलता हूँ या चलता हूँ तो मेरी टांगों के जो निचले से हैं घुटनों से नीचे वो उसमें बहुत शदीद दर्द होता है, तो क्या एडवाइस करेंगे इसको आप? ये कम क्रिकेट खेलते हैं, इन्हें ज्यादा खेलना चाहिए। नहीं मगर फिर किसी डॉक्टर के पास या कोई इलाज? इनफैक्ट होता ही है कि अगर ये क्रिकेट खेलें एक अरसे के बाद तो वक्फा ज्यादा हो जाए तो उससे पेन ज्यादा होता है। अच्छा, तो इसीलिए जब आप कभी एक्सरसाइज शुरू करें तो उसे कंटिन्यू रखें, तो कंटिन्यूस रखने में हर रोज़ एक्सरसाइज या हर रोज़ खेलने में या एक्सरसाइज करने में फिर वो दर्द नहीं होगा। इज़ ए यंग मैन, इज़ प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा या किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं कोई? हाँ दिखा दें डॉक्टर को, अपना कैल्शियम और D3 लेवल करा लें, ब्लड टेस्ट पता चले कि अगर उसकी कमी है तो उसको भी मिले। अच्छा डॉक्टर, ठंडियों के मौसम में जैसे आप तो एडवाइस करें, ज़ाहिर है बाहर जाते हैं, खाना भी खाते हैं, बच्चे भी बाहर घूमते हैं जैसे आपने बोला, तो गले की कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? सिर्फ गले की? क्या टॉन्सिल्स या और टॉन्सिलाइटिस ए, सेकेंडली लेरेंजाइटिस, वोकल कॉर्ड जो बोलने वाली जगह है उसका इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेशन पूरे फेरिंग्स का, तो ये तीन चीज़ें हो सकती हैं गले की। सांस की नाली का भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है? अपर रेस्पिरेटरी, ये तो गले से नीचे चले। हाँ। देखिए अब गले से आगे बढ़ते हैं नीचे जाते हैं तो लेरिंग्स के नीचे जाएँ तो ट्रेकाइटिस हो सकती है कि खांसी हो गई, और लंग्स में चले जाएँ तो ब्रोंकाइटिस है। तो सारे आइटिस ये हो सकते हैं इस मौसम में,
जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से मुंसलिक हिस्सा है, यानी माउथ है, माउथ में इन्फेक्शन हो जाए टॉन्सिल हो जाएगा, आगे बढ़े फेरिंग्स है तो गले की दीवार में इन्फेक्शन हो जाएगा जिसे फेरेंजाइटिस कहते हैं, नीचे जाएंगे लेरिंग्स है जहाँ से हम आवाज़ निकालते हैं। ये तो सारे इन्फेक्शन होंगे या इनमें भी एलर्जी होगी? देखिए इन्फेक्शन और एलर्जी यहाँ मिक्सअप है, मिक्सअप है। एक कॉलर है उसको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, आप अभिमन चौगन हैं हैदराबाद को जी। सर ये और जी तो दिख रहे हैं एलर्जी थे जुकाम वगैरह से, डॉक्टर से कहाँ दिख रहे सर जल्दी उनका वे मेडिसन या बुध ही जुकाम के छो ठीक है जैसे तुम समझो तो जुकाम थे तुरंत इलाज कराज या उनके बेटी इंतजार करें, यही सवाल है ना तुम जी? हाँ सर यही। बड़ी मेहरबानी तक। डॉक्टर साहब बहुत ज़बरदस्त सवाल है कि अगर किसी को नज़ला हो जाए या इन्फ्लुएंजा हो जाए या जुकाम हो रहा है, ज़ाहिर है ये सर्दी है, बिल्कुल सही, क्या उसको फौरन ही किसी डॉक्टर के पास दवाई लेनी चाहिए या तीन दिन या पाँच दिन इंतजार करना चाहिए? वेल इट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन, लेकिन मेरा इसमें तरीका क्या है, आम लोग तो कहते हैं दो तीन दिन जुकाम बह जाने हो जाए खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है, आई विल नॉट लीव देन मोर देन 24 आवर्स, और मैं अगर मुझे होगा तो मैं तो फ़ौरन दवा शुरू कर लूँगा। जुकाम को मैं अहमियत देता हूँ, जुकाम फसाद की जड़ है, जुकाम सबके मेजर कॉज है साइनसाइटिस का और कान की इन बीमारियों का, और जुकाम की वजह से गला भी ख़राब हो सकता है, तो जुकाम को मैं होते ही I'll just stop it, I'll start तीन तक दिन तक उसको छोड़ना नहीं चाहिए, तीन दिन तक नहीं छोड़ना, मगर अक्सर डॉक्टर एडवाइज़ करते हैं कि ये जो है ना खुद ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स तो नहीं एडवाइज़ करते, आई थिंक दे विल लीव इट फॉर वन और टू डेज, बट आई विल नॉट इवन लीव इट फॉर अ डे। आपका मतलब है कि अगर ज़्यादा पड़ रहा है तो दवाई लेनी चाहिए जो उसके साइन सिम्टम है उसकी? जी जी। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मोहम्मद इसहाक सांगड़गा। बड़ी मेहरबानी इसहाक साहब, छा पुछंदो? साईं असां तकलीफ़ त साह जी तकलीफ़ माना सीने में ॾाढो माना सर पौधे थो सुबुह वारे वक़्तु। कॉल ड्रॉप थी तो ये इनकी बात मैं बताऊं कि इनके सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं ठंडक की वजह से, सारे सांस भी ख़राब है, नाक भी ख़राब है, गला भी ख़राब है, तो दिस इज़ टिपिकल ए फ्लू लाइक कंडीशन कि जिसमें आपको बुखार भी होता है, जिस्म भी टूटता है, नाक भी बंद होती है, गले में दर्द होता है और खांसी भी होती है, तो ये फ्लू है, टिपिकल इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स। और इन्फ्लुएंजा तो एंडेमिक होता है और बाज़ वक्त एपिडेमिक इतनी पूरी यूनिवर्स में फैल जाती है। 1958 का मुझे इन्फ्लुएंजा याद है कि कई लाख अम्बा इन्फ्लुएंजा में मैं ज़रूर आऊँगा इस पर। जो फ्लू की आप बात करते हैं, कुछ ऐसे फ्लू जो गर्मी में होते हैं, कुछ ऐसे जो सर्दी में होते हैं, एक कॉलर है उसको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। सही केयर मोहम्मद उस्मान गोनीवड़ी से बात कर रहे हैं। मेहरबानी, छा पुछंदो? सर जो जुकाम तो थे जी, तो यो तमाम जो है कनन पे असर तो पे करना बंद था कि नहीं? अच्छा, ताक है जी जी सर। सर्दी में जुकाम अधिक थे या गर्मी में जड़े भी थे तो तने कनन पे असर? सर्दी में घणो थे पर गर्मी में घटती ना, सर्दी में अधिक थे। अच्छा, पु जने ता दवा वठो ता पु ठीक तो थी ने? हेलो सर, दवा वठदा हूं पु मतलब घणो बंद थी ना तो पु वरी कनन पे मना बंद। ठीक है, ताज मतलब जगह जुकाम और जो कनन ते छोटो असर थे, यही सवाल है ना ताज? जी 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 सर। ठीक है, ताज जवाब दो। बड़ी मेहरबानी। उस्मान का सवाल ये था कि जब मेरे को जुकाम होता है या जब गला खराब होता है तो मेरे कान भी जो है ना वो बंद हो जाते हैं, वो भी इन्वॉल्व थे। कानों का गले से क्या रिलेशन है, क्यों ये बीमारी वहां तक पहुंचती है? कान के पर्दे का पिछला हिस्सा जो जिसे हम मिडल ईयर कहते हैं, दरमियानी कान, तो दरमियानी कान का वो हिस्सा जो है नाक के पिछले हिस्से में जहाँ नेजोफेरिंग्स है या गले के पुष्ट है, वहाँ पर ये सुराख खुलता है, और जब भी ज़ुकाम होगा या गले ख़राब होते हैं तो अक्सर लोगों के कान बंद हो जाते हैं, क्योंकि कान के उस ट्यूब को जो गले में खुल रहा है उसका एक ख़ास फंक्शन है कि हवा को अंदर आने देगा और हवा को बाहर निकालेगा टू मेंटेन द प्रेशर, कि अंदर और बाहर के प्रेशर को एक साथ रखने के लिए। अगर ये ट्यूब बंद हो जाएगा तो कान के पर्दे के पीछे जो हिस्सा है मिडल ईयर है, वहाँ पर ऑक्सीजन जज्ब हो जाएगी और नेगेटिव प्रेशर की वजह से वहाँ पर खून का सफ़ेद पानी वाला हिस्सा जमा हो जाएगा, जिसे आम डॉक्टर भी और हकीम भी कहते हैं नज़ले का पानी है, नज़ले का असर हो गया, कान बंद हो गया। कान बंद हो जाने में इसी तरह महसूस होता है, बाज़ वक़्त दर्द भी होता है, जिस तरह जब एरोप्लेन आपके लैंड करने लगता है लैंडिंग के वक्त जो बाज़ वक़्त कान में दर्द होता है वो कैफियत होती है, और अगर उसका सही इलाज ना किया जाए
तो वो शदीद दर्द हो के कान के पर्दे से पीप बाहर आ सकता है, जिससे हम कहते हैं कान का पर्दा फट गया है। तो ये है कनेक्शन कान के पर्दे के पिछले हिस्से का गले से और नाक के पिछले हिस्से से, जिसकी वजह से ये होता है। और ये आमतौर पे बच्चों में एडिनोइड का जो खास सवाल ये है कि जो जुकाम की वजह से वो मुतासर होते हैं जी, क्योंकि वो सुराख जो है वो बंद हो जाता है, बंद हो सूजन आ जाएगी, जुकाम में इन्फेक्शन हो जाता है जो कान पे असर हो जा रहा है। जुकाम में हो क्या रहा है, जुकाम में नाक की लाइनिंग है और लाइनिंग थ्रोट की है, इसमें हल्का सा वर्म आ जाता है, नाक की लाइनिंग में हल्का सा वर्म के साथ में जो है पानी जमा हो जाता है, तो जब वर्म आएगा तो सुराख बंद हो जाएगा, बंद हो जाए, जिस वजह कान पे वो असर पड़ेगा। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मुझे ये गले में बहुत ज्यादा ऐसे दर्द रहता है। नाम बताएंगे आप? नाम बताएंगे आप? नाम आमना है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हैं आमना जी? कराची से जी। आप पूछिए, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब जी, फरमाइए आमना जी। जी डॉक्टर साहब, मुझे इस गले में दर्द रहता है, कोई कहता है थायराइड की वजह से, कोई कुछ, लेकिन मैंने थायराइड की भी सारी रिपोर्ट्स करवाई हैं, वो भी नॉर्मल है, और कभी ऐसे रात के टाइम में या इस टाइम ऐसे मुझे ऐसे फील होता है कि मेरी सांस घुट रही है, और बस एकदम लाइटें ऑन कर देती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि जैसे रिलैक्सिंग या इस टाइप की कोई टेबलेट लेती हूँ, फिर समझ नहीं आता, फिर कहते हैं कि ये अस्थमा की वजह से, उसकी भी सारी ट्रीटमेंट मैंने कर ली। या एक सवाल करना चाहूँगा जो कि थोड़ा सा गलत है, लेकिन आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 36। अच्छा, कोई खुदा ना खासा ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ना ब्लड प्रेशर है ना शुगर, कुछ भी नहीं। अच्छा, आपने डॉक्टर को दिखाया है? हाँ, मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उसने एस्थमा की मुझे ट्रीटमेंट दी, लेकिन उससे भी मुझे कोई इफेक्ट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। अच्छा, आपका जो आमना, जब सर्दी बढ़ती है तो बढ़ता है या हमेशा रहता है ये तकलीफ? नहीं नहीं, सर्दी से ज्यादा फील होता है कि सर्दी से ज्यादा हो रहा है, और बलगम स्प्यूटम बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, बुखार तो नहीं रहता आपको शाम में या रात में? नहीं 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 नहीं। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, आपका मुँह से बू वगैरह तो नहीं आती? मुँह से बू तो नहीं आती, नहीं। ठीक अच्छा, है आप... पीछे पोस्ट नेजल ड्रिप तो नहीं, खेरा गिरता हुआ जिसे कहते हैं पोस्ट नेजल, गले में पाया पाया जो है वो नाक से कोई रेशा तो नहीं गिरता? हेलो, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, आपको जवाब दे रहे हैं, बड़ी मेहरबानी हमने आपने हमें फोन की डॉक्टर साहब। बहुत सारे सवाल आपने भी किए, गले में खराबी है, उसने मामला आउट ऑफ कोर्स हो गया, और उसका जो है वो थायराइड का मसला नहीं है क्या, कोई इरिटेशन? ये सवाल कोर्स के बाहर है, इनका ये मुश्किल है, इनका अब ये अगर कराची में रहती हैं तो आ जाए आके इनका एंडोस्कोपिक एग्जाम है। थ्रोट के पेन की वजह में इसमें देखिए ना, इनको शी इज यंग, शी इज 35, शी हैजंट गॉट एनी हाइपरटेंशन, और ये पोस्ट नेजल ड्रिपिंग भी नहीं बता रही हैं, और थायराइड के इन्होंने टेस्ट करा लिए, सब नॉर्मल है, तो इनके जो पेन की वजह ये हो सकती है कि हो सकता है कोई ओरल हाइजीन इनकी इफेक्टेड हो, तो इनका मायना ज़रूरी है कि अगर इनके डेंटल कैरीज हैं जो मिस हो रहे हैं, वो हमेशा इन्फेक्टेड रहते हो, ठीक है ना, डेंटल कैरीज हैं जो मिस हो रहे हैं, तो दांत ये तो ब्रश करें सुबह शाम, और अपने आप को फिर मुआयना करवाएं, इसमें आपका मुआयना बहुत ज़रूरी है, और फिर इसमें एक्सरे साइनसेस बहुत ज़रूरी हैं कि गले में रेशा गिर के भी दर्द कर सकता है। दूसरे, इन्होंने थायराइड के टेस्ट तो करा लिए हैं, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसे पेन जो हैं, मैं ख्याल है मैं इनका D3 और कैल्शियम भी करवाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा कैल्शियम, मतलब आप ये एडवाइस दे रहे हैं कि अच्छे डॉक्टर के पास जाके पूरी इन्वेस्टिगेशन कराए तो इसके दर्द का जो है वो अभी तो ऐसे इलाज का कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, सवाल नाक बंद रहता है तकरीबन सर्दी हो या गर्मी, पर सर्दियों में ज्यादा बंद रहता है नाक, और पीछे से रेबिस भी आ रही होती है। अच्छा, कोई इलाज कराया आपने? सर ऐसा कोई इलाज नहीं कराया, बस नॉर्मल सफाई कर लेता हूँ, बस थोड़ा है मतलब सर्वाइव कर लेता हूँ, इतना मतलब तकलीफ नहीं है, पर नहीं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराएं तो ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा होता है? नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ा, फिर दोबारा हो जाता है, थोड़ा नॉर्मली होती है तो फिर इलाज कराता हूँ, वरना नहीं कराता हूँ। अच्छा, कोई एक्सरे कोई इन्वेस्टिगेशन कराई आपने?
मैं नाक वाले डॉक्टर साहब को दिखाया था, नाक वाले एजेंसी वाले को, उसने कहा था मसला मुझे ओपन आई गया है, मुझे नाक को लगाता हूँ फिर नाक मेरा खुल जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। क्या कहा? नाक बंद है, जुकाम है, डॉक्टर को दिखाता हूँ, वो कोई नेजल ड्रॉप वगैरह देते हैं, नाक खुल जाता है फिर बंद हो जाता है, मतलब एक हमेशा जुकाम रहने वाली कंडीशन। देखिए, नेजल ड्रॉप्स का, नेजल स्प्रे का इस्तेमाल जैसे आपने बोला पीछे पोस्ट नेजल ड्रिपिंग, इनके एक्सरे साइनसेस बहुत ज़रूरी हैं, इनका कैमरे से मुआयना नाक का लाजमी है, और उन खातून का भी जिन्होंने फ़ोन किया था अभी, तो ये आमना का, और ये इनफैक्ट कैमरा एग्जामिनेशन रिवील सो मेनी थिंग्स विच अदरवाइज, मतलब ये किसी अच्छे ENT स्पेशलिस्ट को दिखा के इन्वेस्टिगेशन कराए फिर इलाज शुरू करें तो फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, आगे आऊँगा कि इस ठंडी में जितनी भी बीमारियाँ, कान की, नाक की, गले की, क्या एहतियात किया जाए कि बीमारियाँ ना हो, एहतियात बताएं, क्यों टाइम भी ख़त्म होने वाला, फिर आगे जाते हैं। एहतियात ये है कि गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, ठीक है, और सर को ढक के रखें, ठीक है, राइट, गर्म कपड़े पहने और मोज़े पहने, और बुज़ुर्ग लोग तो मोज़े पहन के सोएं भी, राइट, ठंडी ज़मीन पर नंगे पैर ना चलें, और दैट्स इट, और अगर एंटी एलर्जिक लेते रहें पहले तो वो लेना शुरू कर दें, ठंडी चीज़ों जैसे कि आइसक्रीम, ठंडा पानी, इनसे बचना चाहिए। जी जी, ये भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, लेना चाहिए वो, हाँ, जो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं उनको कह रहा हूँ जिनको गले खराब हो जाते हैं, नहीं मतलब ज़ाहिर है ठंडी चीज़ें लेंगे, ये तो हो गए, एहतियात हो गए, क्योंकि जितना मज़ा आइसक्रीम का आता है इस मौसम में, ठीक है, एक बात है, जितनी भी कान की, नाक की आपने बीमारी बताई, वो एलर्जी हो या बैक्टीरियल हो, वायरल हो, इन सबका इलाज मौजूद है, अल्लाह शुक्र है, हर चीज़ का अल्लाह ने इलाज रखा है। अब उसमें ये डिपेंड करता है कि उस इलाज से कितना फ़ायदा आप हासिल करते हैं और कितना तहकीक करके लॉजिक के साथ इलाज करते हैं तो कामयाबी नसीब होती है। तो इलाज तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मियां ने हर चीज़ का इलाज रखा है, मगर यह वक्त से उसका इलाज ज़रूर कराना जी चाहिए। जी जी, इसमें कोई नहीं, एलर्जी हो या कोई जरासीम हो, मगर उसका इलाज मौजूद है, डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करो, एहतियात ज़रूर करो। मैसेज क्या होगा डॉक्टर साहब, पैगाम क्या होगा आपका? पैगाम है एंजॉय द विंटर और प्रिवेंट योर सेल्फ, और जिन लोगों को पॉलिप्स या पहले रहा है मसला, तो अपने एंटी एलर्जी ना भूलें और अपने डॉक्टर से रुजू कर लें, अगर आपका पहले ऑपरेशन हो चुका है नाक का तो। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर मीर साहब, आप हमारे पास आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, डॉक्टर फज़लुल्लाह मीर साहब सदा गॾु हो, जेके असांखे गले, कन ऐं नक जी बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहियो, ऐं थधि जे मौसम में जेके बचाव जा तरीक़ा उहे ॿुधाई, त गरम जेके शयूं इस्तेमालु करियो, थधि खां बचो, ऐं जेकॾहिं का तकलीफ़ आहे गले में, नक में, त फौरन पंहिंजे डॉक्टर खे ॾेखारियो, ऐं जेकॾहिं असां डॉक्टर खे ॾेखारींदासीं, डॉक्टर जी हिननि ॻाल्हियुनि ते अमल कंदासीं ऐं पंहिंजी हिफ़ाज़त कंदासीं, बचाव कंदासीं, त असां हिन बीमारियुनि खां बचंदा रहंदा आहिनि। हिते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो, पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बजपावर खे इजाज़त ॾींदा, अलाह हाफ़िज़।